जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, दोनों कैपेसिटर ही है, बट डिफरेंस क्या होता है। तो एक्चुअल में डिफरेंस होता है, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में इसमें माइनस और प्लस होते हैं, यानी कि इसके अंदर पोलैरिटी डिफाइन होती है, और ये नॉन पोलर होता है, यानी कि इसके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। आप किसी भी साइड से इसे यूज कर सकते हैं। ये सिंपली आपके एसी के लिए काम में करता है, यानी कि एसी सिग्नल के लिए काम करता है, जो बिजली आपके घर पर आती है उसके सीरीज में ये काम करता है। और ये जो देख रहे हैं ये डीसी के अंदर काम करता है, ठीक है, ये कैपेसिटर, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी होती है माइनस और प्लस। अभी इसका जो वर्किंग होती है, वर्किंग सेम ही होती है, ये भी कुछ समय के लिए करंट को स्टोर करता है और ये भी कुछ समय के लिए करंट को स्टोर कर सकता है। तो अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जो देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, ये सिंपली सिंपल सर्किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सर्किट है, एक LED ही हमने एक मोबाइल चार्जर की हेल्प से ग्लो की हुई है। तो इसके अंदर अभी क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं दोनों लेग आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पर इसे यूज करके देख लेते हैं कि DC सर्किट में ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो देखिए करंट तो ये स्टोर करेगा, सिंपल सी बात है, हमने पैरेलल में यूज किया, करंट तो स्टोर करेगा बट बहुत ही कम अमाउंट में करंट को स्टोर करेगा। तो इसकी पावर कट करते हैं यहाँ से। तो देख रहे हैं आप, इसमें आपको शायद पता भी नहीं लगा होगा, कुछ ही सेकंड में, यानी कि सेकंड के भी कुछ ही सेकंड के पार्ट में इसने बंद कर दिया, कुछ ही नैनो सेकंड में ये इस करंट को डिस्चार्ज कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कम अमाउंट में करंट को स्टोर करता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें माइक्रोफेरड ज़्यादा होते हैं, ये देख रहे हैं आप 2200 माइक्रोफेरड 25 वोल्ट का है, यानी कि ये DC पे काम करेगा। सिंपली इसके अंदर पोलैरिटी भी है, ये माइनस होता है और ये पूरा प्लस होता है, तो माइनस में माइनस और प्लस में प्लस टच कर लेते हैं। तो देखते हैं इसी प्रकार से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है इस कैपेसिटर की। तो गाइस अभी ये ग्लो कर रहा है, अभी यहाँ से वायर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये अचानक से बंद नहीं होगा, कुछ सेकंड के लिए ये ऑन रहेगा। अभी देख रहे हैं आप बहुत ही धीरे धीरे से बंद हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये करंट को स्टोर कर लेता है, तो DC पे ये काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना।